की माँ रेंट के दुपट्टे मर रही, इसका माँ बाप है नहीं, वे मर गए। डायपर पहना है इसे, कपड़ा गंदा हो जाएगा, ये कपड़ा है अभी इसने चीची डल लिया या बाथरूम डल लिया तो दोबारा ढाई जाना पड़ेगा। कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि लोगों को इंसानों के अच्छे होने पर यकीन हो। ये भी कहते हैं कि माँ के ना होने पर किसी बच्चे का जीवन कितना दुर्दांत होता है ये कोई नहीं जानता। हम आज आपके लिए ऐसी एक कहानी लेकर आए हैं जो इन दोनों बातों को ये सिद्ध करके बताती है कि दुनिया में माँ के ना होने पर बच्चों को कई बार उसके जितना लाड ईश्वर किसी और के हाथों देता है। ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो की है। वीडियो एक शख्स का जिसने एक छोटी सी बंदरिया को गोद लिया है, अपने कंधे पर बच्चों के जैसे खेलते हुए इस बंदरिया को लिए ये शख्स मोहित चतुर्वेदी है। मोहित चतुर्वेदी इस बंदरिया को गोद लेकर इसे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। नाम रखा है लाडो। लाडो यानी जिसे बहुत लाड से पाला गया हो। लाडो यानी जिसके प्रेम के आगे इस दुनिया का सब कुछ फीका हो। लाडो यानी वो बिटिया जिसे पिता अपने जान से ज्यादा मानता है। लेकिन एक बेजुबान बंदरिया की कहानी क्या है? मोहित चतुर्वेदी इस कहानी को बताते हुए कहते हैं, कुछ वक्त पहले इन्हें ये बंदरिया तब मिली जब इसकी माँ का देहांत हो गया था। छोटी सी बंदरिया अपनी माँ के पेट से बंधी हुई थी, माँ को नहीं छोड़ पाई। उन्हें ये खतरा लगा कि शायद इसे कोई कुत्ता या जंगली जानवर खा जाए, तो मोहित ने इस बंदरिया को गोद लिया। अब इसे बेटी की तरह पालते हैं, बंदरिया को डायपर पहनाते हैं, बंदरिया के खाने पीने से लेकर कपड़ों तक का ख्याल रखते हैं। माँ ट्रेंच के दुपट्टे मर रही, मुझे उसके छाती में पड़ी हुई थी। अरे और फिर इसको बंदरों ने ढेर लिया, इसको कुत्ता मार जाती, कुत्ता पफेल जाती, जो बच्चा है ना उसका माँ बाप है नहीं, वे मर गए। तो इसको हमने अपने चार ब्राह्मण झड़े लड़े गंगा लेके, और इसको हम ले गए। अच्छा, लेकिन आप इसकी बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, देखा? हम ले रहे हैं, वो गलती अपने आप गलती दबाती है। लेकिन डायपर पहना है इसे, कपड़ा गंदा हो जाएगा, ये कपड़ा है अभी इसने चीची डल लिया या बाथरूम डल लिया तो दोबारा ढाई जाना पड़ेगा, इसलिए हमारा जितने कुछ नहीं जाता है, अपने भाजपा अपने आप दुआरी की है। अच्छा, अपने भाजपा नाम है आपका? मोहित चतुर्वेदी। मोहित ये कहानी बताते हैं और उनके कहानी बताने का वीडियो बीजेपी के देवरिया से विधायक और सीएम योगी के पूर्व मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने शेयर किया है। मोहित जो कहानी बताते हैं उसे सुनना चाहिए। की माँ ट्रेंच के दुपट्टे मर रही, इसका माँ बाप है नहीं, वे मर गए। डायपर पहना है इसे, कपड़ा गंदा हो जाएगा, ये कपड़ा है अभी इसने चीची डल लिया या बाथरूम डल लिया तो दोबारा ढाई जाना पड़ेगा। मोहित की ये बात दिल को छूने वाली है, लेकिन 48 सेकंड के इस वीडियो ने इंसान की जिंदगी को खूबसूरत बनाया है। ये वीडियो कब रिकॉर्ड हुआ और मोहित कहाँ के रहने वाले हैं, इसे लेकर जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोहित ने अपने वीडियो से एक बड़ी सीख दी है। सीख इस बात की कि इस देश में सिर्फ भगवान हनुमान की पूजा नहीं होती, इस देश में बेजुबान जानवरों को अपने परिवार का हिस्सा माना जाता है। वो देश जिस देश में भगवान बुद्ध से लेकर भगवान श्री राम तक की परंपरा का निर्वहन होता हो। मोहित ये बताते हैं कि हमारे देश के संस्कार कैसे हैं। बेटियां इस देश का अभिमान है, फिर चाहे वो इंसानों की हो या पशुओं की। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।